वेलकम बैक टू बीआर क्लासेस गाइस। लास्ट वीडियो में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक किया था, वो प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक था, वहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सेकेंड चैप्टर हमारे सिलेबस का है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्या होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस? लेट x इज इक्वल टू साइन वाई बी ए फंक्शन। यदि x इज इक्वल टू साइन वाई एक फंक्शन है तो इस फंक्शन का मीनिंग क्या है? इस फंक्शन का मीनिंग है कि y इज द एंगल हुज साइन वैल्यू इज x। यानी इस स्टेटमेंट से हम समझते हैं कि ये y वो एंगल है जिसकी साइन वैल्यू x होगी। ये एक फंक्शन यदि आपको दिया गया है, यदि इस फंक्शन को हम इस तरह लिख दें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये कहलाता है ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये है हमारा एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ये है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे इस तरह कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, जहाँ पर y एक एंगल है हुज साइन वैल्यू इज x। तो ये तो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है हमारे लिए इस टेबल को याद रखना। छह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो छह ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। इनकी डोमेन और रेंज हमें याद रखनी पड़ेंगी जरूर। एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, यदि ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन हम जानते हैं, साइन की वैल्यू कभी भी माइनस वन से प्लस वन के बीच ही रहती है, उससे बाहर नहीं जाती है। तो इस फंक्शन की डोमेन है माइनस वन से प्लस वन और रेंज हो जाएगी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ये जो रेंज हमें दी गई है ये प्रिंसिपल वैल्यूज है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसको हम कहेंगे। वैल्यूज तो और भी हो सकती हैं लेकिन ये वाली जो वैल्यूज हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू हैं और हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही याद रखनी पड़ेगी। जब भी हमें एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया जाएगा और आपसे एंगल की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा तो वो एंगल हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच का ही होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो उसको हम एडजस्ट करके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही लाएंगे। तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है माइनस वन से प्लस वन, रेंज है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब है कि दोनों बाउंड्री की वैल्यूज इंक्लूड हैं, यानी माइनस पाई बाई टू भी हो सकती है और प्लस पाई बाई टू भी हो सकती है। आगे कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन माइनस वन से प्लस वन, हम जानते हैं रेंज जीरो से पाई, क्लोज इंटरवल। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन ऑल द रियल नंबर्स, यानी कंप्लीट नंबर लाइन हमारी इनकी डोमेन है और रेंज टेन की होती है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, लेकिन ओपन इंटरवल, क्योंकि पाई बाई टू पर टेन जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज जीरो टू पाई, ओपन इंटरवल, क्योंकि ई कॉट जीरो पर और पाई पर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए वो बाउंड्री की वैल्यू इंक्लूड नहीं की गई है। सेक की रेंज ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस इंटरवल, माइनस वन से प्लस वन वैल्यू नहीं हो सकती है, ऐसे उसकी रेंज में जीरो टू पाई यानी जो कॉस की रेंज है वही होगी, लेकिन केवल पाई बाई टू वैल्यू को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि सेक थीटा जो है पाई बाई टू पर जीरो होगा, सॉरी कॉस थीटा पाई बाई टू पर जीरो होता है, तो सेक थीटा होता है हमारा वन ओवर कॉस, इसलिए वन ओवर कॉस पर वैल्यू करेंगे तो सेक पाई बाई टू पर इनफाइनाइट हो जाएगा। सेम चीज कोसेक में भी है, वही रेंज होगी जो साइन की होगी, लेकिन जीरो साइन जीरो जीरो होता है और इसलिए कोसेक जीरो के लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। ये टेबल हमें ये चैप्टर शुरू करने से पहले बिल्कुल लर्न करनी है। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आपको ये चार पार्ट दिए गए हैं, इनकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? पहला पार्ट
लेट साइन इनवर्स वन इज इक्वल टू थीटा या एक्स या ए कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वन। साइन में हम जानते हैं वन वैल्यू पाई बाई टू की होती है। जब भी हम किसी कांस्टेंट को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो में चेंज करें तो हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ये जो थीटा हमने यूज किया है ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बाहर का नहीं होना चाहिए। अभी अभी हमने टेबल देखी, साइन इनवर्स की जो रेंज है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होती है, जहाँ पर माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू दोनों इंक्लूड होते हैं। इसलिए यहाँ पर पाई बाई टू वैल्यू लेने में कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारी थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो पाई बाई टू होगी, क्योंकि पाई बाई टू बिलोंग्स टू, पाई बाई टू बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। दूसरा पार्ट यदि हम करें, लेट टेन इनवर्स रूट थ्री इज इक्वल टू, सपोज एक्स हम कंसिडर कर लें तो रूट थ्री इज इक्वल टू टेन एक्स। रूट थ्री टेन में जो वैल्यू होती है वो होती है टेन पाई बाई थ्री की, टेन पाई बाई थ्री, टेन पाई बाई थ्री यानी कि एक्स आपका हो जाएगा पाई बाई थ्री। लेकिन क्या ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आती है? बिल्कुल आती है, क्योंकि टेन की जो रेंज है वो है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ओपन इंटरवल, यानी माइनस 90 से प्लस 90 और वैल्यू आई है 60 जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है, इसलिए ये बिल्कुल सही वैल्यू है। थर्ड पार्ट को हम देखें तो कोट इनवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री इज इक्वल टू, सपोज हमने इसको एक्स ही मान लिया तो माइनस वन बाई रूट थ्री इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब वन बाई रूट थ्री जो कॉट में है वो पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है कॉट एक्स। अब यहाँ पर ये माइनस हमको परेशान करेगा, इस माइनस को हमें एडजस्ट करना है इस थीटा के साथ, लेकिन करना इस तरह से है कि जो थीटा हमारा है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर की वैल्यू हो। अब कॉट थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है जीरो टू पाई ओपन इंटरवल, जीरो टू पाई ओपन इंटरवल। करने को क्वाड्रेंट का जो हमारा कंसेप्ट है उसके हिसाब से हम कॉट पाई बाई थ्री को लिख सकते हैं कॉट ऑफ माइनस पाई बाई थ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, यानी इसके प्लेस पर ये लिखा जा सकता है। लेकिन यदि हमने ये लिख दिया तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई थ्री, जो कि गलत होगी, क्योंकि ये माइनस पाई बाई थ्री वैल्यू हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं है। इसलिए अब ये जो हमने फॉर्मूले के हिसाब से एडजस्ट किया, ये हमने किया है फोर्थ क्वाड्रेंट में एडजस्टमेंट। क्वाड्रेंट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इलेवंथ क्लास में बहुत डिटेल में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा कॉट थीटा कहाँ नेगेटिव होता है? कॉट थीटा पर नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमें ये माइनस कॉट पाई बाई थ्री की जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एडजस्ट करनी पड़ेगी, यानी माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, जो कि होगा माइनस कॉट थीटा। यानी इसकी जगह पे आप ये लिखोगे, ये वैल्यू आपकी आएगी 2 पाई बाई थ्री, 2 पाई बाई थ्री यानी 120, 120 आपकी इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करती है, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए आपको ये माइनस जब आप एडजस्ट करोगे तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आप उसको किस क्वाड्रेंट में एडजस्ट करो। हमेशा आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, क्योंकि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। लेकिन दो क्वाड्रेंट में जहाँ वो नेगेटिव है, माइनस की वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान इस बात का देना होगा कि कौन से वाले क्वाड्रेंट में एडजस्ट करने पर वो वैल्यू, थीटा की वैल्यू हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। इसलिए यहाँ पर 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू एक्स, ये आपका आंसर होगा। सेम क्वेश्चन हमारा फोर्थ पार्ट भी है, इसमें भी सेम कंसेप्ट ही यूज होना है। यहाँ भी आप देखेंगे कि सेकंड वर्स माइनस टू आपको दिया गया है,
इसको हमने थीटा मान लिया, तो माइनस टू इज इक्वल टू सेक थीटा। हम जानते हैं कि टू जो है वो सेक में किसकी वैल्यू होती है, सेक 60 की वैल्यू होती है टू, यानी सेक पाई बाई थ्री सेक थीटा। अब वो सेम प्रॉब्लम हमारे सामने है कि हम इस माइनस को कहाँ एडजस्ट करें, तो सेक की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो जीरो टू पाई है एक्सक्लूडिंग पाई बाई टू, तो यानी हमें जीरो से पाई के बीच में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जीरो से पाई का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं इसलिए हमें इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो जो अभी क्वेश्चन में किया वही सेम, पाई माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक टू पाई बाई थ्री इक्वल टू सेक थीटा, टू पाई बाई थ्री इज योर आंसर। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है वो इस टाइप से आपको मिलेगा कि ये वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 5/13, तो इनको हम रिप्लेस करेंगे, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ए, 3/5 इज इक्वल टू साइन ए, साइन ए यदि 3/5 आया है तो कॉस ए क्या होगा, कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वेयर है, यानी 9/25, 16/25 यानी 4/5 आएगा, साइन ए आ गया कॉस ए आ गया। लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू बी, 5/13 इज इक्वल टू साइन बी, साइन बी 5/13 है तो कॉस बी क्या होगा, स्क्वेयर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर बी, 25/169, कैलकुलेट करोगे तो आएगा 144/169, यानी कि 12/13। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, ये वैल्यू हमने निकालनी है। इसको हमने कंसीडर किया है ए प्लस इसको हमने कंसीडर किया है बी, तो जो वैल्यू आपको निकालनी है वो है कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये चारों वैल्यूज हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, कॉस ए 4/5, कॉस बी 12/13, साइन ए 3/5, साइन बी 5/13, यानी कि 48/65 माइनस 15/65, 65 एलसीएम तो 33/65 इज योर आंसर। अगला पार्ट हमारा है टेन ऑफ 2 साइन ऑफ 1/2 साइन इनवर्स रूट 3/2। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेट साइन इनवर्स रूट 3/2 इज इक्वल टू थीटा, रूट 3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, रूट 3/2 साइन में होती है 60 की वैल्यू, साइन पाई बाई थ्री इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू होगी पाई बाई थ्री। तो जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, नाउ टेन ऑफ 2 साइन ऑफ 1/2 साइन इनवर्स रूट 3/2, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो क्या होगी, टेन 2 साइन ऑफ 1/2 साइन रूट 3/2 की वैल्यू पाई बाई थ्री है, टेन 2 इंटू साइन पाई बाई सिक्स, साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है, यानी टेन इनवर्स, एक्चुअल में ये टेन इनवर्स हमारा होगा क्वेश्चन में, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई फोर, टेन थीटा पाई बाई फोर पर 1 होता है, तो ये आपका आंसर होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की केवल इतने ही
क्वेश्चंस हमारे हैं, बड़ी इजी एक्सरसाइज है और आमतौर पर इस एक्सरसाइज से केवल 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इन्वेस्टोग्रामेट्रिक फंक्शंस का एक कंसेप्ट समझ आया होगा और आप कंफर्टेबली इसको कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी आर क्लासेज़।